जी नाजीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त सहरी का दस्तरखान लगा और हमने खा भी लिया, लेकिन बहुत अच्छा पिज्जा बनाया था आपने, झटपट वाला, और हमारे मेहमानों को भी बहुत पसंद आया था। कैसा लगा आपको? बहुत मजेदार, बिल्कुल सही नाम दिया। डॉक्टर साहब बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह, मेरा तो मसला हल कर दिया इन्होंने, झटपट बना लूंगी क्योंकि मैं बेकिंग में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, तो ये बहुत ईजी है मेरे लिए। बहुत ईजी है जी, ये बना लेंगे, बहुत अच्छे नो डाउट खाने बना रही है। खोले जी अपना कोई, आप ऐसा होटल वोटल खोलें, कोई रेस्टोरेंट खोलें, फिर आएंगे उस पे। रिदा, आप वैसे कुकिंग करती हैं? कभी ट्राई की है? नहीं, मैं करती हूँ, पूरी पूरी बात है, आता कुछ नहीं है, बस बना लेती हूँ। तो वैसे क्या चीज थोड़ी अच्छी बना लेती हैं? चलो थोड़ी क्या चीज अच्छी बना? थोड़ी अच्छी बिरयानी कढ़ाई टाइप। अच्छा, हाँ बस, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है, वो भी बेचारे कह देते हैं अच्छी पता नहीं कैसी होती है। अच्छा, अपने हाथ का खाना खुद को अच्छा नहीं लगता ना कभी कभार? हाँ, नहीं, नहीं मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता। तो क्यों, मतलब सीखा नहीं आपने या इंटरेस्ट नहीं था? नहीं नहीं सीखा, पता कोशिश की सीखने की, सीख नहीं पाई। हाँ कोशिश सब की, लेकिन असल में मेरे घर में मेरी अम्मी मेरी भाभी ना ये लोग बहुत अच्छा बनाते, बिगाड़ दिया ना, तो वो मैच नहीं है, पकवाया नहीं कभी, नहीं पकवाते नहीं थे, रोटी पकवा देते। अक्सर लड़कियाँ कहती है सब करवा लो रोटी, मैं कहती हूँ कपड़े इस्त्री मत करवाओ, बाकी सब ठीक है। मुझे वो बर्तन नहीं धोते, बर्तन आई लव जितने भी अच्छा आपको वैसे जिया क्या काम, खाना तो मैं आपसे ज़्यादा पूछ नहीं सकता, आपको इतने अलग अलग खाने आते हैं, बना लेती हूँ ना आपसे हर तरह के, एक घंटा दे दें मुल्कों के खाने आ रहे हैं जिनको हमें हम चाइनीज समझ रहे थे, आपने बताया नहीं तड़के वाला खा रहे। कौन सा काम मुश्किल लगता है आपको? मुश्किल एक तो मुझे आयरन करना अभी लगता है बहुत, मुझे मेरा दिल चाहता है कि बस मैं शर्ट निकालूं और बस पहन लूं, यार कौन जाके आयरन करे। और बर्तन बचपन में होता था पहले कि वो अम्मी की ड्यूटी लगाती थी, तो मैं अपनी बहन से कहती थी तुम बर्तन दोनों पहन दो। अच्छा, मुझे सबसे मुश्किल काम लगता था बचपन में पानी की बोतलें भरना। हाँ, बच्चों से कहा जाता है बेटा जाओ पानी की बोतल, मेरी अम्मी कहती थी बोतलें भरो फिर खेलने जाओ, जल्दी जल्दी उल्टी सीधी भर के चले जाते थे। वो बोतलें भरे उस वक्त नलकों से ही भरते थे, डिस्पेंसर आ गया ना, डिस्पेंसर आ गया, पहले नलके खड़ो के भरे रहो, ऐसे खड़े रहो खड़े रहो, जल्दी भर जा भाई। डॉक्टर साहब आपको मुश्किल काम क्या लगता है? मुश्किल जो आप कहती हैं यार ये तो लगता होगा कुछ ना कुछ, रोटी रोटी गोल बन जाती है आपसे? बहुत ही टेक्निक से खींच वेंच के फिर भी गोल नहीं बनती। स्केल विस्केल या प्रकार कर लेते हैं? क्या होता है प्रकार कर, होता क्या होता है कंपास, कंपास, कंपास ऊपर से मुझे कहा। रोटी बना मुझे चैलेंजिंग लगता है, मैं चाहती हूँ कि गोल बने, लेकिन जब वो उस तरह की नहीं बनती तो मैं अपने ही आप में काफी हर्ट हो जाती हूँ। आई मीन कुकिंग मुझे हर्ट करती है, मुझे लोगों का हस्बैंड तो नहीं कहते आपके क्या है गोल रोटी नहीं बना रही? नहीं, पता क्या कच्ची नहीं होनी चाहिए, शेप मैटर नहीं करती, थोड़ी जैसे वालदा मैटर नहीं करती, बारीक भी वो तो बहुत वो करती थी कि बारीक फुल्का बन जाए, फुल्का फूल जाना, उल्टे तवे की सीधे तवे। कुकिंग में माशाल्लाह मैं भी अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ, रोटी में थोड़ा वीक है, कोई मैथ्स में वीक होता है। अच्छा देखिए, ये मुझे आपकी बात से अभी ख्याल आया कि जैसे हम सब बात कर रहे हैं तो किसी ना किसी का कोई एक एरिया है जो मुश्किल है, पॉइंट होता है फैमिली सिस्टम या टीम वर्क, आपकी कमियों को अकोमोडेट हम एक साथ रह रहे हो तो बर्तन धो लो और अपनी अपनी पसंद का काम ले लीजिए, एक चीज दूसरे के लिए। अब मेरे लिए तीन खाने एक वक्त में बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन चार रोटियां बनाना मतलब मुश्किल लगेगा। तो ये कितनी अच्छी डील हो जाए कि कोई रोटी बना रहे, तो ये अल्लाह की नेमत हो अगर हम समझें और एक दूसरे का एहसास करके रहे तो रहें बगैर लड़े रहें, लड़ाई नहीं हो। आपको क्या मुश्किल लगता है ये बनाएं आप? मैं वही अभी बोल रही थी बर्तन, तो हमारे यहाँ नॉर्मली जब भी दावत वगैरह होती है ना तो मुझे होता है सारा खाना बना लूंगी, दस्तर लगा लूंगी, दूसरी दफा लगा लूंगी, लेकिन बर्तन उठा भी लूंगी, धोऊंगी नहीं। बर्तन में ऐसा क्या होता है? बर्तन पता है क्रिएटिविटी है, बर्तन धोते हुए क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, थेरेप्यूटिक होता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन नहीं मतलब मजाक लग रहा है, पूछ रहा हूं क्या क्रिएटिव आइडिया आता है? पता नहीं बर्तन धोते हुए आपको क्रिएटिव आइडियाज आते हैं आपको? हाँ, तुम्हारा दिल चाहते ज्यादा से ज्यादा बर्तन धोऊं और फिर क्रिएटिविटी की। पढ़ते वक्त नींद आती है ना? पढ़ते वक्त नींद तो आती थी, पढ़ते वक्त किताबें देखो, मैंने कहा इससे अच्छी तो कोई नींद की दवा नहीं, खोलो नींद आई थी, भूख भी लग जाती थी। हाँ। तो मैथ्स पढ़ के भूख लग जाती थी, एग्जाम्स के दिनों में ना टेंशन में भूख लग रही होती है, एंजाइटी हो रही होती है। तो यानी कि आपको बर्तन से इशू है, आपको प्रेस करने से आपको और आपसे रोटी नहीं बनती? और मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले, कपड़े आयरन करो नहीं करो कुछ कहते ही नहीं है, तो फिर क्या खुद कर लेते हैं? वो नहीं, वो ऐसे ही पहन लेते हैं। नहीं ऐसा तो पहले मैं इजी वे बताऊं, आयरन नहीं करना हो ना, थोड़ा सा उस पे शावर करके ना पानी वानी डाल के स्प्रे गन से स्प्रे कर दिया, पहले स्प्रे मार के फिर इस्त्री करने में, मुझे इस्त्री बिल्कुल
कड़क पसंद है बिल्कुल। एक स्प्रे गन से आप पहले स्प्रे करके फिर क्या करेंगे, इतनी परफेक्शन करके छोड़ें। फिर भी मतलब एक होता है ना, कुछ चीजें आपको आसान लगती हैं, जैसे आपको एक्टिंग आसान लगती होगी, कर लो, कोई मसला नहीं है। आप कुकिंग बहुत आराम से कर लेती हैं, आप माशाल्लाह इस्लामी बात है ये शेफ। तो मैंने कहा ये पूछो मुश्किल क्या लगता है, अभी आप लोग सही कब कर रहे हैं ये बताएं। असली बात का मकसद जो था वो ये था कि आप लोग लेकिन देखिए ना सही बात ये करने तो है ना काम। अब मुझे जैसे ये ड्रेस था तो मैंने कहा चलो दुपट्टा तो सही है ओढ़ लूंगी, बस चलो शर्ट पे ट्राउजर पे कर लेती हूँ, करने तो है ना काम। क्या कर आयरन नहीं करके आया, किसने प्रेस नहीं किया, क्या फर्क पड़ा, क्या होगा। डंडे के जोर पे आप डंडा, ये तो आप डोमेस्टिक वायलेंस पे आ गए। डंडा इस सेंस में कह रही हूँ जैसे बचपन में होता ये था, नहीं बचपन में होता था ना मेहमान आए कुछ तो अम्मी कहती थी हाँ ये काम है, तो मेरी बहन होती थी तो मैं कहती थी बर्तन इससे धुलवाए ना, तो वो कभी डांट मेहमानों से बचपन पूछते हैं आज पूछे की, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे सारी मुझे अटागे बैठी है, मैंने कहा पूछो क्या काम मुश्किल होता है, और आपने देख लिया क्या क्या काम मुश्किल होते हैं लेकिन मुश्किल नहीं होते वो करने में कहते हैं। अभी थोड़ी ही देर में अजान फजर होने वाली है, अपने मुंह से ज़्यादा अच्छे अल्फाज निकालें, दुआएं करें, ना जाने कौन सा वक्त कबूलियत का हो। बात हो रही है हुकूक बात के हवाले से, डॉक्टर साहब जहाँ हम बात करते हैं माँ बाप के हुकूक, बहन भाइयों के हुकूक, मुलाजमीन के हुकूक, वहीं आते हैं असाज़ा। पहले के दौर में अगर हम जाएँ तो पहले बड़ा असाज़ों का एहतराम था, हम देखते थे कि जहाँ से असाज़ा गुजर जाते थे वहाँ पर तो हम कुछ गलत बात तो क्या वहाँ पर नज़र भी नहीं आते थे। अब थोड़ा माशरा चेंज हुआ कि अक्सर पेरेंट्स ने ये चीज़ बता दी कि भाई आप पे कर रहे हो स्कूल में फीस दे रहे हो तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। जो हमारे असाज़ा हैं इनके हकूक़ क्या है? जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि दुनिया में तीन ऐसे लोग हैं जिसकी अजमत ऐसे है जैसे तुम्हारे वालिद की अजमत, एक वो जिसने पैदा किया, एक वो जिसने तालीम दी यानी उस्ताद, और एक वो जो अपनी बेटी आपके निकाह में दे दे यानी ससुर। तो इन तीनों का अदब एहतराम और ख़ास तौर पर उस्ताद का अदब इतना ज़्यादा था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ुद मौल्लिम आज़म हैं, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमाते हैं कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मुझे तो मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। उसके बावजूद आप जब दीगर असहाब पास बैठे हैं या कोई ऐसी जमात पास बैठी है और उनका कोई काजी, उनका कोई उस्ताद उनको कुछ सिखाता है वो आ जाए, तो अल्लाह के नबी फरमाते थे कि इसके अदब में खड़े हो जाओ। और इतनी ज़्यादा ताकीद थी कि उस्तादों के आगे ना चलें, अदब के तकाजे ये थे, उनसे पहले बात शुरू ना करें, उनसे पहले खाएं पिए नहीं। और इतने ज़्यादा ऐसे वाक़यात हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद के, मौला अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं कि जो एक हर्फ भी तुम्हें सिखा देता है, जिससे तुम्हें एक बात भी मालूम हो जाती है, वो तुम्हारा उस्ताद है। तो ये चीज़ है कि हम जिससे भी कुछ सीख लें, और उस्ताद ही तो हमें इंसान बनाते हैं, यानी माँ बाप ने तो हमें पैदा किया, और ज़्यादा वक्त हमारा जो है वो उस्तादों के साथ गुजरता है। और थोड़ी सी बच्चों की नफ्सियात भी, अब मुझे नहीं बिल्कुल अंदाज़ा कि इस वक्त बच्चे किस तरह सोचते हैं, हम और जितने हमने अपने बाद बच्चे देखे, वो माँ कुछ भी सिखा रही हो, बाप कुछ भी सिखा रहे हो, कहते हैं टीचर ने ये कहा है, तो वो टीचर की बात को ज़्यादा ऑथेंटिक समझते हैं बनिस्बत अपने पेरेंट्स की बात के। तो आज हमने बहुत गलत ये कर दिया, हमसे ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया कि हमने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि उस्ताद है तुम्हारा, जब वो उस्ताद की इज्जत नहीं करेगा। हमारे एक टर्म कहते हैं बा अदब बा नसीब, बिल्कुल। तो जब तक उस्ताद का अदब नहीं करेंगे कभी भी इल्म का हुसूल मुमकिन ही नहीं हो सकता, तरबियत नहीं हो सकती। और कुछ दूसरी तरफ एक उस्तादों को भी चाहिए कि वो अपने आप को उस्ताद ही समझे, तालीम फॉर सेल नहीं होती। और सेल के अलावा हम ये भी देखते हैं कुछ जगहों पे कि तशद्दुद के वाकयात में बदल जाता है। ठीक है, बच्चे को पढ़ाते वक्त डांट डपट अगर हो रही है इट्स फेयर इनफ, लेकिन कभी कभी वो तशद्दुद हो जाता है कि इतनी बुरी तरह मारा जाता है कि जिस्म पे नील पड़ जाते हैं। देखिए तशद्दुद अभी जैसे आपने पहले भी फरमाया ना, मुलाजमा है या तशद्दुद का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो आपसे कह रहा है गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा है, ना बीवी को, ना औलाद को, ना मुलाजमीन को, ना शागिर्दों को। कोई अगर होता तो अल्लाह के हबीब के ज़माने से कोई वाकया हमें ज़रूर मिल जाता। बिल्कुल, तो ये चीज़ है कि तशद्दुद तो किसी पर भी आप नहीं कर सकते, किसी सूरत में भी नहीं। ठीक है जी, आप यही सवाल आपकी तरफ थ्रो करूंगा। हाँ, पर याद है जी बड़ी इज्जत करते थे उस्तादों की, हम उनको खुश करने के लिए कभी फ्लावर्स लेके जा रहे हैं, कभी आगे पीछे घूम रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट क्यों चेंज हो गया और इससे जो आज का बच्चा है उसकी तालीम पर कितना फ़र्क पड़ रहा होगा?
देखें अभी भी कॉन्सेप्ट हर जगह का नहीं मैं बात करूंगी, हाँ, लेकिन मैंने देखा है कि जो देहात साइट हैं वहाँ पे माल ज़्यादा होता है ना, आजकल के बच्चों को आप हाथ नहीं लगा सकते यहाँ पे, ठीक है ना, और वो रिस्पेक्ट भी करते हैं बच्चों के। हमारे बचपन में तो ऐसा होता था कि आइडियल होते थे हमारे, हम कहते थे कि हमने बड़े होकर ना मिस जैसे, हाँ बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हम छोटे थे, मासूम थे, और ये बात सही भी थी कि वो हम घर जाके भी टीचर्स की बातें करनी होती हैं और वही सारे किस्से बताने होते, तो बड़ा अच्छा लगता था। आजकल के बच्चे शायद ये चीज़ें भूल गए क्योंकि वो मोबाइल में इतने बिजी हो गए हैं, उनको उसके अलावा कुछ याद ही नहीं रहता कि टीचर ने क्या कहा। वकील बना दिया पूरा अभी से, स्कूल में जाके वो अपने राइट्स की बात कर रहे होते हैं कि भाई हमारे ये राइट है, बच्चा बच्चा उसको बच्चे की तरह रहने। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ये जो बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं ना, बड़े स्कूलों की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे बच्चे अब ये समझने लगे हैं कि उनको कोई राइट नहीं है कि वो हमें डांटें या हमें मार सकें। खैर मारना तो दूर की बात है, वो तो हो ही नहीं सकता, लेकिन थोड़ी बहुत डांट डपट पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन ऐसे स्कूलों में तो पनिशमेंट भी नहीं देते। रोको भी तो उनको ये होता है कि हमें नहीं रोक सकते ना, तो ये बात गलत है। पेरेंट्स को भी चाहिए वो कहें कि बेटा जो आपके टीचर कह रहे हैं आप सुनो, क्योंकि आप जब स्कूल में हो तो वो टीचर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पेरेंट्स का भी इसमें रोल है कि वो बच्चों को सिखाएं बेटा इस तरह से आपने। रिदा आप बताएं क्या कहेंगी इस पर आप, और कोई टीचर पहले तो मुझे बताएं अपना, याद है आपको बचपन का कोई ऐसा टीचर जो आपका आज तक आपको याद हो, आपकी चाहे उनसे मुलाकात ना होती हो, मतलब वो पनिशमेंट के नहीं, 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 गुड फेथ में बता रहा हूँ, जो आपके तो बहुत सारे टीचर्स हैं, नहीं एक को मक्खन लगाएं सबकी बारी नहीं होगी। तो ये काफ़ी थे, मेरी एक मिस सीमा थी मैथमेटिक्स ना, अच्छा यहाँ से हम इसको जज कर सकते हैं, मैथमेटिक्स मुझे पसंद नहीं था। जो सब्जेक्ट आपको पसंद ना हो ना और उसका टीचर पसंद आ जाए, दैट मीन्स कि वो टीचर ऑसम है। मिस सीमा मैं कभी भी उनको नहीं भूल सकती, क्योंकि उन्होंने मैथमेटिक्स को ना मेरे लिए आसान बना दिया था, वरना मैथ्स के टीचर पेन फिंगर्स के बीच में क्रॉस कर रहे हैं पता नहीं, अच्छा अब वो क्या दूसरे बच्चों को कर रहे, टॉर्चर आपको हो रहा है ना, उस सब्जेक्ट से चिढ़ हो जाती है वो, एक इफेक्ट मुझे ऐसा लगता है मेरा पर्सनल। एक बात हो रही थी कि पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स ने एक तरीके से बच्चों ये भी कह दिया है कि अगर बच्चे को पनिशमेंट भी दिए जो बच्चे के गुड फेथ के लिए हैं, तो वो फिर पहुंच जाते हैं स्कूल और टीचर पे इतना प्रेशर आता है कि टीचर भी कहता है भाई जो कर रहा है करो यार, हमारी जान छोड़ो, तो इससे नुकसान कितना हो रहा है, नुकसान बच्चे का हो रहा है हमारे, डेफिनेटली हम उसे गलत बात पे प्रमोट कर रहे हैं और वो उसके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। और इवन ये तो स्कूल तो बाद में, अब तो दो दो ढाई ढाई तीन तीन साल के बच्चों को माशाल्लाह सब चीजों का पता है कि आप उन्हें डांट रहे हैं या उन्हें पनिश कर रहे हैं, तो वो आगे से रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो दैट मीन्स वो उस चीज को समझने के कैपेबल हैं, तो वो हमारा काम है गलत चीज को प्रमोट करेंगे मतलब प्यार में या लाड में, तो वो डेफिनेटली नुकसान। और इज्जत की जहां तक मैंने बात की कि वो इज्जत नहीं रही कि टीचर्स को देख रहे हैं, हाँ टीचर है तो क्या करें वाली बात आ गई, वरना हमारे तो हलक मैं खुश हो जाता था टीचर को देख के। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा लेटर लिख लिख के टीचर को दे रहे हैं, फ्लावर्स देते हैं, तो वो मुझे याद है आज तक एक मेरी सीनियर एक क्लास की थी, वो मतलब उन्होंने मुझे आके बोला आपने मैडम को कैसे कार्ड दे दिया, हमने आज तक नहीं दिया। तो मैं सोच रही थी उनको क्या जवाब दूँ, मुझे उस टाइम पे अपने डिफेंस में बोलना नहीं आया कि भाई आपको तौफीक नहीं हुई तो आपको प्रॉब्लम है, मेरे एक बात है लोग डिस्करेज, एग्जैक्टली उनका आपने मैडम को जाके कार्ड दे दिया, हमने तो आज तक नहीं दिया, हम क्लास टेंथ में आप क्लास सिक्स में, मैंने कहा है। और जब हम छोटे थे तो मैं जब जा रहा होता था तो मैं एक फ्लावर तोड़ के लेके जाता था, जो सबसे खतरनाक मिस होती थी उनको देता था कि आज इनके मैं उससे बचूं। आपका जो सवाल था ना कि जो रिस्पेक्ट वाली बात है, तो अल्लाह माफ करे आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स को ही कुछ नहीं समझ रहे, टीचर तो बहुत बात की बात है, तो ये चीजें हमारे घर से ही नहीं मिल रही ना हमें। ठीक है डॉक्टर साहब, क्योंकि टाइम कम होता है तो हम चाह रहे हैं कि ज्यादा चीजें डिस्कस कर देंगे, तो हमने तमाम इंसानों के हकूकों की बात कर ली, लेकिन जानवर भी होते हैं, क्या जानवर के हकूक होते हैं, ये जो हम कुत्ते को देख के पत्थर मार देते हैं, बिल्ली को पैर से हटा देते हैं इस तरह, तो ये सही है दीन इस्लाम में? अच्छा ये दुनिया का वाहिद मजहब है जिसमें पत्थर का भी हक है। कुरान पाक में सूरह लुकमान के हवाले से मैं बात करूँ कि हज़रत लुकमान अपने बेटे को जो नसीहतें करते हैं, वसीयत भी आप उन्हें कह सकते हैं, तो वो कहते हैं ज़मीन में अकड़ कर मत चलो, तो ज़मीन पर भी पाँव पटक के मत चलो, हमारा दीन तो ये कह रहा है। जिस जानवर को ज़िबा करना है खाने के लिए, तेज धार वाली छुरी से ज़िबा करो, उसको भी अज़ियत मत दो, जानवर के सामने जानवर को, जानवर के सामने जानवर को ज़िबा ना करो। जहाँ तक बात है जानवरों पर रहम करने के, तो इतना ज़्यादा ताकीद है कि मस्जिद नबवी के ज़माने में वाक़ है कि एक दफ़ा एक मस्जिद नबवी में कुत्ता आ गया, तो लोगों ने उसको मार कर निकालने की कोशिश की, अल्लाह के हबीब ने मना फरमाया और वो उसको आराम से बैठ जाओ, सब निकल गया, फिर उन्होंने उस जगह को साफ़ किया। एक सहाबी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके बताया कि मैं पानी पी रहा था, तो वहीं पी रहा था तो वहाँ पे एक कुत्ता बैठा हुआ मुझे कुएं के पास हाँपता हुआ नज़र आया, तो मैंने अपना, मुझे समझ नहीं आया कि उसको पानी कैसे पिलाऊं, तो मैंने अपने मोज़े में वो पानी में डिप करके उसके मुंह में उस पानी को निचोड़ा। अल्लाह के हबीब उसको भी जन्नत की बशारत दे रहे हैं कि तुम्हारे इस अमल ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। एक खातून ने बिल्ली पाल रखी थी और उसको भूखा रखा हुआ था,
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की कि अगर इसको कुछ हो गया तो इसकी वजह से तुम पर अल्लाह का अताब आ सकता है, यानी कि जानवरों से भी रहम। और वो तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक अंसारी के बाग का एक ऊँट था, बहुत ही हाइपर हो गया था, तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके कहा कि मैं जब बाग में जाता हूँ तो वो मुझ पर हमला कर देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और ऊँट ने आकर शिकवा किया और आपके कदमों को वो बोसा देने लगा, तो आपने फरमाया कि तुम इसको भूखा प्यासा रखते हो, आज से तुम इस पर जुल्म नहीं करोगे तो ये भी जुल्म नहीं करेगा। तो ऐसे हजारों वाकयात हैं जानवरों से। बिल्कुल जी, ये चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं, अमूमन गाली भी होती हैं, बाकी और जानवरों के साथ तो मैं देखता हूँ बहुत ही बुरा होता है। जी हाँ, रीज़न क्या है, हम अपने बच्चों को सही तरह गाइड नहीं कर पा रहे हैं या हम खुद कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अपने बचपन में करते आए हैं कि जी हम देख रहे होते हैं कि अल्लाह माफ़ करे बेचारा कोई कुत्ता है तो उसको इतनी जोर से पत्थर मारा है कि उसके सर की खाली उतरी हुई घूम रहा है, या बिल्लियों को कर रहे हैं, या फिर बकरीद पर जानवरों को ऐसे घसीट रहे हैं, हम क्या गाइड नहीं कर पा रहे बच्चों को? देखिए, बच्चे ना आपको ही देखकर सीखते हैं। अगर हम बच्चों को सिखाना चाहें तो सबसे पहले तो हमारा अमल अच्छा होना। अगर हमने कभी ऐसा किया अपने बच्चों के सामने कि कोई जानवर आ रहा है और हम उसको मार रहे हैं कुछ, तो कल को हम बच्चे को रोक ही नहीं सकेंगे, क्योंकि वो कहेंगे आपने भी तो मारा था। सीधा सी बात यही है ना। तो सबसे पहले तो अपने आप को आप देखें कि आपने किस तरह से मोहब्बत से पेश आना है, चाहे जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, ठीक है। और दूसरा ये, जैसे मैंने अपने घर पे बिल्ली पाली हुई थी तो मुझे पता था कि उसको खाना भी खिलाना है, उसको ट्रेनिंग भी देनी है, किस तरह से कमरा भी नहीं धुतकारना, पास भी आ गई है तो हमने किस तरह से हटाना है। लेकिन मारपीट तो उनके साथ भी नहीं करनी चाहिए ना, उसने सुलूक तो उनके साथ। जो घरों में अपने पेट्स पाल लेते हैं, चले वो तो केयर कर लेते हैं, बाहर की मैं बात करूँ मखलूक तो सारी अल्लाह ताला की है, तो वहाँ पर कभी कभी हम ऐसी चीजें देखते हैं कि बड़ा दुख भी होता है। हाँ। लेकिन लोग जहाँ इंसानों के हकूक नहीं पूरे कर रहे तो वो कहते होंगे ये जानवर। अच्छा, आपकी बात से सॉरी, मैं एक बात बताना चाहूंगी। लास्ट ईयर की बात है, बहुत गर्मियाँ थी ना, तो गाड़ी के नीचे ना एक बिल्ली या जानवर अक्सर होता है ना कि सो रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता। तो मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ कि मैं गाड़ी में बैठी और जो है ना गाड़ी रिवर्स कर रही थी, तो मुझे पता ही नहीं कि नीचे बिल्ली है ना। तो जैसे मैंने रिवर्स की, पहले सारे बंदा स्टार्ट करता है गाड़ी फिर निकालता है, गर्मी होती है तो थोड़ा टाइम लगता है। मैंने जैसे रिवर्स की ना, पट से कुछ आवाज़ आई मुझे ना, मैंने कहा ये क्या हुआ, तो फिर मैंने देखा तो बिल्ली के ऊपर वो गाड़ी चढ़ गई। आप बिलीव करें, मेरा दिल ना एकदम से यूँ जैसे बंद हो गया। मैं बाहर खड़ी हुई देखती रही, मैं क्या करूँ, मैं उसको उठाऊँ, मतलब मुझे रोना आया ना, मतलब आंसू निकल रहे। तो मैं ये कहना चाहूँगी आपके प्रोग्राम के तवस्तुत से कि अभी आप लोग जो भी बाहर निकल रहा हो वो उस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि कभी कुत्ते कभी बिल्ली सो रहे होते हैं, तो थोड़ी देर गाड़ी स्टार्ट करके हॉर्न दे दें ताकि वो निकल जाएं। ठीक है। हाँ। जी रिदा, ये रीजंस जो मैंने बताए कि भाई हम खास तौर पर अगर हम बकरीद की बात कर लें कि इसमें क्योंकि जानवरों की हमें काफ़ी वो आती है, तो हम देखते हैं कि वो बच्चे ऐसी रस्सियाँ पकड़ के खींच रहे हैं या उनको एक फ़न के तौर पे लिया हुआ है। कुर्बानी के जानवर का कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता कि भाई इसका कॉन्सेप्ट क्या है, या जब ज़बह करने की बारी आती है तो जानवर को जानवर के सामने कसाई भी गिरा रहे हैं, हम भी गिरा रहे हैं। इसमें कमी कहाँ पर है, क्या हमें इल्म नहीं है या हम उनको इतना सीरियस ही नहीं लेते? सही कह रहे हैं आप, हम उनको इतना सीरियस ही नहीं लेते क्योंकि वो तो बेज़बान है, शिकायत भी नहीं कर सकते। हम तो जो आप वाली बात, इंसानों के हुकूक पूरे नहीं कर रहे तो उनके कहाँ से करेंगे। और जिया ने बहुत अच्छी बात की कि हम अपने बड़ों को ही फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो जब कोई आपके सामने, मैं तो ये समझती हूँ कि कोई पराया बिल्कुल आपका, कोई गैर भी हो ना, कोई बिल्कुल स्ट्रेंजर भी हो ना, और आपके सामने कोई, अच्छा मेरी तो ये आदत है कोई बच्चा कुछ ऐसा कर रहा हो ना, मैं टोक देती हूँ कि बेटा ऐसे नहीं। अच्छा, कोई समटाइम्स लोग बुरा माने भाई बच्चे की इस्लाह के लिए, और हम बड़े हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा बच्चे तो कर रहे होते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बकरे को देख के छेड़ रहे हैं, वो अपने लिए फन कर रहे होते हैं, हाँ उनको पता ही नहीं है ना। तो ये हमारा काम है कि उनको उसी टाइम पे बोलें कि नहीं बेटा इसको लगती है। तो ये वाली चीज है कि हमें खुद ही उन चीजों की सेंस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो हम बच्चों को कहाँ से देंगे। अच्छा, ये भी उसी तरह चले जा रहा है। ये भी चीज होती है कि जाहिर है जैसे कि अभी गर्मी बहुत है या सर्दियां होती हैं, तो हमें कुछ ऐसी चीजें भी करनी चाहिए जिससे जो जानवर हैं वो बेचारे, जाहिर अगर गर्मी है तो हमें कोई पानी के हवाले से बालकनी में या अपने टेरेस पे आप कुछ पानी का कुंडा रख दें और वो उसका रख दें तो वो भी सही है, मतलब दाना रख दें, या कोई चावल खाते हैं कबूतर और कव्वे तो वो पकौड़े भी खा लेते हैं। और ये थोड़ा सा ना लोगों को मेरे ख्याल से गाइड करने की जरूरत है कि भाई ये भी अल्लाह की मखलूक हैं और इनका तकलीफ इन्हें भी हो रही है और ये तो बेजबान है। हाँ, बेजबान है। हम बड़े आराम से, ये होता है कि जी पत्थर भी मार दिया तो देख रहे हैं वो भी कर दिया, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ठीक है शायद इसका गुनाह नहीं है, लेकिन जैसे कि उन्होंने बताया कि इसका एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो ये तमाम चीजें थी जी, आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।
आप हमारी निशस्त में आए। बात हो रही थी हुकूक इबाद के हवाले से, सारी चीज़ों को हमने डिस्कस भी किया जितनी हम कर सकते थे, लेकिन जाते जाते ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ पे बेज़ुबान जानवरों की बात होती है वहाँ पर अपने बच्चों को आप इस तरह उनकी परवरिश करें कि उन्हें उनका दर्द समझ आए। ये ना हो, बहुत सी जगहों पे करते भी हैं फैमिलीज़ में, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि बेज़ुबान जानवर जो हैं बेचारे उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही होती है और वो शिकायत नहीं कर सकते। और हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इस पर कोई कानून भी नहीं है, है तो उस पर अमल नहीं होता, कि लोग इतना सीरियस नहीं लेते। लेकिन आप कानून को ना सोचें, आप ये सोचें कि ये मेरे रब की मखलूक है, मैं भी इसकी मखलूक हूँ और ये भी इसकी मखलूक है। तो अगर इस तरह की सोच रखेंगे तो डेफिनेटली बदलाव आएगा। और हमारी नशियात का वक्त इस वक्त ख़त्म हो चुका है, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान